नंदी भैया जिंदाबाद 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 नंदी भैया सीट लपटेल जिंदाबाद जिंदाबाद नंदी भैया सीट लपटेल धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे बीच इस विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय सीता पटेल जी, मैं चाहूंगा कि आए और अपना उद्बोधन करें। विचार कुछ भी हो सकते हैं, हमारे आपस में कुछ भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित कैसे हो, यहाँ प्रभु जन से सबसे निवेदन करूंगी कि उत्तर प्रदेश अग्रणी अग्रणी है, जांच में उत्तर प्रदेश कोविड की जांच में अग्रणी है। सबसे कम अगर कहीं नुकसान हुआ है, सबसे कम कहीं प्रसार हुआ है, फैला है कोविड, तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा WHO ने भी की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी की है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड के प्रबंधन को संभालने का काम किया। लेकिन धन्य है माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्य है माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने समय रहते हुए और कोविड की चिंता खुद करके, आपने देखा, हम सब ने सुना था कि लड़ाकू विमान हवाई जहाज ये तो बम बरसाने का काम करते हैं जब दूसरे देशों से लड़ाई होती है, लेकिन हमने देखा कि जो हमारे लड़ाकू विमान थे उसमें टैंकर में भर भर करके ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचा पहुंचा करके लोगों की जान बचाने का काम। रेल में हम देखते थे कोयला आता है, पेट्रोल आता है, लेकिन रेल से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला करके पूरे देश में जहां जहां ऑक्सीजन की कमी थी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। जब चारों तरफ निराशा थी, चारों तरफ निराशा थी, चाहे फेसबुक खोल लीजिए, चाहे आज तक, चाहे एबीपी न्यूज, चाहे ईटीवी, चाहे डीटीवी, उस वक्त ताबड़तोड़ रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड से ठीक होते ही सड़कों पर उतर करके अस्पताल अस्पताल जाकर के अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया, कैसे बेड की संख्या दोगुनी हो, कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाए, इस तरह से काम करने का काम किया। ये सब आपसे छुपा नहीं, आप सबने देखा है, आप सबने महसूस किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब कोरोना में लोग अपने पिताजी की लाश को लेने से इनकार कर दिए, लोगों ने अपने भाई की लाश लेने से इनकार कर दिया, किसी को फांसी आ जाती थी तो घर छोड़ करके लोग चले जाया करते थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो देवतुल्य कहा जाता है वो घर घर सैनिटाइजर पहुंचाने का काम किया और घर घर खाना पहुंचाने का काम किया कि कोई भूखे ना मरे। सर, आज प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया गया, इस सम्मेलन में क्या खास है? देखिए, हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उस मूल मंत्र को हमारे प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी धरातल पर उतार रहे हैं। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। आज देखिए, यहाँ प्रबुद्ध वर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित है। आज तमाम राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे अभी एक ओवैसी की पार्टी है, ये सभी लोग तमाम तरह के नाटक करके, कोई ब्राह्मण सम्मेलन की बात करता है, कोई दंगाइयों और आतंकियों को ज्वाइन कराने की बात करता है। हमारी पार्टी अपराधियों का समूल नाश करके उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सतत प्रयासरत है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश तरक्की के नित्य नए आयाम को छू रहा है। वो उत्तर प्रदेश जब ये सपा और बसपा की सरकार थी तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा था, नौकरियों में पैसे लिए जाते थे, ठेके पट्टे पे पैसे लिए जाते थे। आज सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास,
सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, इसके तहत काम हो रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है, उनका कहना है कि यूपी की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की तरह यहाँ की सड़कें भी बदहाल है। देखिए मायावती जी, कई बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जब वो सरकार में रहती हैं तो उनका एक ही मकसद, और सरकार में आज नहीं है तो भी एक ही मकसद, गांव का कोई बच्चा, बसपा का कोई छोटा सा कार्यकर्ता, उससे भी पूछोगे तो बहन जी चाहती कि 1 लाख रुपए वो चंदा देते, 100 करोड़ से लेकर के 1 लाख रुपए तक और 10,000 रुपए तक भी चंदा लेने का और अपनी तिजोरी भरने का काम किया। कभी ये नहीं सोचा कि सरकार में उत्तर प्रदेश में सड़कें अच्छी हों, कभी ये नहीं सोचा कि हॉस्पिटल अच्छे हों, कभी ये नहीं सोचा इंडस्ट्री आए, कभी ये नहीं सोचा हवाई जहाज़ एविएशन अच्छा हो, एयरपोर्ट्स अच्छे हों, एयरपोर्ट अच्छे खुलें और हों, हमेशा और हमेशा अपनी तिजोरी कैसे भरें और क्या करें कि ये गुंडे और माफियाओं को समर्थन दे दें, इनका समर्थन ले लें, बस केवल यही और यही सोचती रही और जाति धर्म मजहब के भेदभाव में पूरे प्रदेश को बांटती रही।